सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में इंतखाबात के तशद्दुद से मुतासर खानदानों की नकल मकानी रोकने, मुआवजा देने और बाज़ आबकारी करने से मुतालिक एक मफाद आमा की अर्जी पर आज मरकज और रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बी आर गवाई तातीली पंच ने अरविंद मुखर्जी, देजानी हल्दर, प्रशांत दास, प्रमिता डे और भरपून हल्दर की दरख्वास्तों की समाअत की दौरान मरकजी और रियासती हुकूमत के नोटिस जारी किया और मामले के समाअत 7 जून शुरू होने वाले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अरुण मुखर्जी और देचाजी हल्दर समाजी कारकुन हैं। प्रशांत दास जिले कोच भार में होने वाले तशद्दुद से मुतासिर शख्स है। प्रमित डे और भवन हेल्डर वकील हैं, जिनके मकानात और दफातर को मुबैना तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने नुकसान पहुंचाया था। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट पंक्यानंद दलीलें सुनने के बाद इस मामले में कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन, कौमी कमीशन बराए ख़वातीन, कौमी कमीशन बराए दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल और कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल को फरीक बनाने का हिदायत दी है।